वनडे करियर में एक साल के अंदर 9 शतक जड़ने वाला पूरे दुनिया का एकमात्र बल्लेबाज, जाने उसका नाम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा एकमात्र प्लेयर है जिसने एक साल के अंदर अपने वनडे करियर में 9 शतक जड़ डाले। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले अगर आप क्रिकेट के अंदर के खबरों से पल भर में अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिए चैनल RS न्यूज को। दोस्तों, रिकॉर्ड बताने के पहले हम आपको बता कि वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। वही बार इस बार इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अपनी जगह बना ली है, जिसमें 15 अंकों के साथ इंडिया पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर चल रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। दोस्तों, वहीं पर ये आशंका जताई जा रही है कि इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया के नाम हो सकता है। दोस्तों, आप लोग किस पर क्या राय है, आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं वनडे करियर में एक साल के अंदर सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी के बारे में। दोस्तों, इन शतकों की रेस में जो पांचवा बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है वो है रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा साल 2017 में 21 वनडे मैच खेलकर 6 शतक जड़े थे, जहां इन्होंने 71.83 की औसत 1293 रन ठोक डाले थे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर बने खिलाड़ी के बारे में। दोस्तों, जो चौथा खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहा है वो है विराट कोहली। जी हां दोस्तों, इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने 14 वनडे मैच में 1202 रन बनाए हैं, जबकि इन्होंने इन मैचों के दौरान 6 शतकीय पारी खेली है। वहीं पर जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी का नाम निकल कर सामने आ रहा है वो है सौरव गांगुली। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, जिन्होंने 32 वनडे मैच खेलकर 1569 रन बनाए हैं और इन पारियों के दौरान इन्होंने 7 शतक जड़े हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे नंबर के खिलाड़ी के बारे में। दोस्तों, जो दूसरा बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है वो है डेविड वार्नर। दोस्तों, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खेलने वाले एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने 23 वनडे मैचों में 7 शतक जड़े हैं। चलिए दोस्तों, आगे के क्रम में बात करते हैं शीर्ष पहले पायदान पर चल रहे खिलाड़ी के बारे में। दोस्तों, जो पहले खिलाड़ी का नाम निकल कर सामने आ रहा है वो कोई नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। जी हां दोस्तों, 1998 में भारतीय टीम के लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने 34 वनडे की 33 पारियां खेलकर कुल 1894 रन ठोके, जिनमें इन्होंने अपने बेहतरीन पारी के दौरान 9 शतक जड़ डाले, लोगों को हैरत में डाल लिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 21 साल बाद भी आज तक इनका रिकॉर्ड किसी ने टच तक नहीं कर पाया। दोस्तों, आप इन सभी खिलाड़ियों में से किसको पसंद करते हैं और आपकी क्रिकेट ऑफ गॉड सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आप ये भी बताइएगा कि इस बार का 2019 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीत हासिल करेगी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने वतन लेकर लौटेगी। दोस्तों, इसी तरह के क्रिकेट के हर अंदर के खबरों से पल भर में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल RS न्यूज को। वहीं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह के जरूरी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।